दिन के 3:30 बज चुके हैं और इसमें हमारा दिन शुरू हुआ है काम निपटा के। 1, 2, 3, 4 और मुझे मिला के 5 बंदे जा रहे हैं। सड़क आपने पहचान ली होगी, दूर की सड़क। आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हम शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं ऊपर पहाड़ से। आप नहीं गए होंगे भी उधर ऊपर? ना जाते हुए जाएंगे हम तो, और आते हुए भी आएंगे। नहीं वो बहुत दूर है, बहुत लॉन्ग पड़ेगा। आंटी लोग घास लेके आ रहे हैं। तो बैंड रह गया है वहाँ, और आज हिमालय भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। कितनी सारी बकरियाँ आ रही हैं देखो ऊपर से। बोलो जून से पहले क्या आता है? हम दोनों में बकरी कौन? छोटी वाली कोई बोल ही नहीं रहा। मैं अरे बैंगर ये थोड़ी उछल उछल के जा रही। आगे बकरी चरा के कहाँ ले गए थे आज? जंगल में। अच्छा ये सौरभ ने वार्निंग दे दी सबको कि जो गिरा उसकी कनपट्टी वही सूजेगी तो हम सूजाएंगे तो हम आज इस सड़क से नहीं जाके यहाँ से जा रहे शॉर्टकट रास्ते से। यहाँ जड़ी बूटियां ढूंढेंगे हम। और ये लोग पहुंच गए हैं ऊपर, देखो वहाँ से शॉर्टकट है ना, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। वो सड़क से घूम के आते हैं हम, इतनी दूर से तो बहुत टाइम लगता। चील कितनी सारी घूम रही है आज यहाँ से हिमालय, और इतने ऊपर आ गए हम नीचे पहाड़ से। तन्नू पहले पहुंच गई फास्ट, पहुंच चुके हैं ऊपर। देखो थोड़े से पत्थर हटा गए रास्ता बनाने के लिए। क्या लग गई? थक लग गई। पत्थर होते हैं तब विश मांगते किस पे हैं? तन्नू कह रही इस पे व्हाइट कलर के पत्थर डाल के विश मांगते हैं। 5 डालती है पत्थर। 5 पत्थर। क्या हो गया तुम्हें? अरे वो चुनचुनाहट शरीर में चीटियां खाती है। हाँ। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर मलेथा वाला रास्ता, नीचे रसोली वाला रास्ता। अमन तुम तो पहली बार आ रहे होगे? फिर गाड़ी से आए हो ना? हाँ। तो पैदल आके कैसा लग रहा है? पैदल हम झंडे वाले पहाड़ से भी चढ़े हैं क्या? आगे जाओगे क्या? अमन को टेंशन होगी। अमन कह रहा और आगे जाओगे क्या? वो मंदिर दिख रहा है वो वहाँ तक, इस वाली सड़क में जाओगे सौरभ की? इसमें धूप नहीं है तो छाया छाया है ऊपर, धूप है। फिर आओ, सौरभ ने डिसाइड कर लिया मलेथा वाली सड़क पे जाएंगे हम। और देखो सारा पीरूल गिर रखा है पहाड़ों में, चीड़ के पेड़ से सूख करके। और सूरज भी चल रहा है हमारे साथ साथ। नागपंचमी के टाइम में रसोली वाली सड़क है। वाओ सीढ़ियां थोड़ा ही है। ये पता क्या है, दो गांव होते हैं ना, दो गांव तो दो गांव में से आधा आधा जंगल जिसका होता है वो बाउंड्री कर देते हैं। हाय मलेथा यहाँ से 1 ही किलोमीटर है बस। देखो यहाँ से मलेथा है सिर्फ 1 किलोमीटर। आसमान कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे लग रहा बादलों को पेंट वाले ब्रश से हल्के हल्के बना रखे होंगे। सब चलेगा, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये देखो सामने है मलेथा गांव। और एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो ऊपर पहाड़ी की चोटी पे बर्फ पड़ी होगी ना, जिस दिन मौसम ठंडा था पिघल चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हुड भी डाल के आई थी, स्वेटर इनर, और वो यहाँ पे आके देखो गर्मी लग गई तो हुड निकालना पड़ गया क्योंकि इतना चल के आ गए हम लोग। तन्नू रास्ता भटक गई, ये लोग ऊपर से जा रहे हैं, हम नीचे से जाएंगे। चलो ये टाप के जा रहे हैं, इन्होंने स्कूल में बहुत बंक किया होगा इस वजह से टाप रहे हैं लोग, और हम अच्छे बच्चे तो हम नीचे के रास्ते जाएंगे। अरे वाह ये भी कितना बढ़िया है, यहाँ पे छत है क्या किसी की? तन में यहाँ से ऐसे जाता हूँ स्लाइड होके नीचे। अरे यार सिंपल अगर जाती तो क्या हो गया, ऐसे टप्पे खा खा के जाना है। सौरभ का मन यहीं लग गया, यहीं रहोगे क्या? तो ये लोग मेरे से पहले आ गए थे, तो ये लोग मंदिर चले गए थे, मैं थोड़ा लेट आई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ, काली माता जी का मंदिर, और मैं दर्शन करके आती हूँ काली माता जी के। जय काली माता। अच्छा ऐसे घूमने के लिए? हाँ। चलो फिर चलते हैं। तो इस पर वो रास्ते भी जा रहा हूँ, कोई रास्ते जा रहा हूँ। क्या ये? तिमरू। तिमरू क्या करते हैं इसको?
इसके दातून वगैरह। अच्छा तो एक बार ये हरा डालो मुँह पे, झंझनाहट होगी। मुझे अभी जैसे मैंने खाया ना तब मुझे पता चला कि ये हम बचपन में खाते थे। तिमरों की लकड़ी है जिससे दातून भी करते हैं और ये हम खाते भी थे पहले से बहुत ज्यादा। पूरा ये टहनी लेके जा रहे हैं। सॉरी वैसे पेड़ तोड़ने चाहिए पर हमने दातून के लिए तोड़ा है। आ जा तन्नू, तन्नू को अपने साथ लाने के यही फायदे हैं कि ये कभी खून रोकने वाली जड़ी बूटी दिखाती है। कुछ नहीं होता, मैंने इससे दातून करो, दातून करना मेरा करना मेरा। ऐसे पूरी इस वर्ष कैसे कर रहा, पूरे पूरी चाल ले ली उससे। थोड़ा छिल जाएगा इस पर। देखो ये कितनी अच्छी जगह बना रखी है यहाँ पे। हम सोच रहे थे छत है किसी की पर ऐसी बना रखा है इन्होंने। अरे ये तो उसका पेड़ है, माल्टे का। इसमें माल्टे एक नहीं हो रहे, देखो ये वो तो रखा है दिखने का। हाँ यार तोड़ो। अरे सौरभ माल्टे पकड़ो, वो तोड़ देगा। हाँ गिराओगे तुम उसे? नहीं इधर दो, इस पर इधर मत चढ़, इधर मत, इधर से नहीं, इधर गोदी में आइए। इधर से नहीं आएगा, नहीं की जरूरत थी इसलिए हाथ ले। अंकल से पकड़ो ना गोदी में, इसे हाथ लगेगी। हाँ ये सफलता हासिल। कांटा लग गया, कांटा लगा बंगले के पीछे ना। दिखा तेरे बेरी के नीचे। अरे तो अमन को जख्म हो गया हाथ में, वही लगा लो हरा पत्ता। हाँ अरे हाँ ये लो, इलाज है हमारे पास जड़ी बूटी। ये लड़की हमारे साथ चलती है ना तो बिल्कुल इलाज कर देती है। तन्नू आज फिर से अपना इलाज करते हुए, एक बार सौरभ के पैर में सरिया से कटा था तो हाँ तो यार ये पत्ते लगा नहीं लगाया ना, ये पत्ते लगाए हमने तो खून बंद हो गया। अरे बहुत सही पत्ता होता है ये, इसे बस चिपका के रखो। ये देखो तन्नू ने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है क्योंकि कॉलेज बंद है। यार मेरा आयुर्वेदिक थोड़े ना, क्या हो गया तू? आयुर्वेदिक भी तो इलाज कर दिए। वो रहा है क्या चुनचुना? अरे भाई किसी को पता है तो बोलो। आज का टाइटल इस चुनचुनाट लिख दूंगी। चुनचुनाट से बचने के लिए आयुर्वेद का अंकल को पता क्या लिखना है आज के ब्लॉग में? अंकल को ही चुनचुनाट। लोग अलग अलग टाइटल बता रहे हैं। अंकल को, अंकल कहा है तेरे, वो पापा है। पर ये तन्नू दीदी बोले ना अंकल को चुनचुनाट से बचाने के लिए और क्या कहते हैं सेंसोडाइन यूज करिए। इनको माल्टा मिल गया है, माल्टा खाते जा रहे। आप नहीं खा रहे? पहाड़ी बुला। तो हम आए ऊपर के रास्ते थे और गए हम उधर और हम वापस जा रहे हैं तीसरे रास्ते। ऐसे इसको घिस भी सकते, घिसते है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जोर से मारना तो जोर से नहीं मारी। ये देखा ये अच्छा लगा? अच्छा पसा ही। जय काली। छोड़ेगा ना। हाँ हाँ दिख रहा है थोड़ा को। देखो ये क्या कर रहे हैं, पुष्पा मूवी का जो सॉन्ग है अल्लू अर्जुन का उस पे वीडियो बना रहे हैं। तो पूरा वैसे ही लग रहा। तो हम वापस घूम फिर के वहीं पहुंच चुके हैं। हम लोग इस रास्ते से ही उतर के जा रहे हैं। हमने बहुत मार खाई होते हैं। ये देखो तन्नू को अपने बचपन की कुटाई याद आ गई। टीचर्स कुछ भी आओ, डंडी लेके आओ, स्टिक लेके आओ। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे ना क्लास में, पतली स्टिक लेके आएंगे वो, जिन्हें सब कुछ आता था। हाँ। वो जानबूझ के ऐसी पतली वाली लेके आते थे, उससे बहुत तेज लगती थी। और हमारी क्लास में भी थे एक दो बच्चे ऐसे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। ये और अमन और इस पर सबसे आगे पहुंच चुके हैं। हाँ भाई नई टोपी लेके आया। तो मंकू के साथ में एक नया बच्चा आया है, इसको तो हम पहली बार देखे। तेरा भाई है? फिर ऊपर रहता है खुशी का। खुशी का भाई कितने साल के हो? है नौ? नौ साल का नहीं है वो। इतना झूठ कैसे बोल दिया इसने? ये देखो कितना पिद्दा सा है और कह रहा है मैं 9 साल का हूँ। 9 का तो स्पर्श भी नहीं है। हम गए थे मलेथा गांव में और हमें बहुत मजे आए। और आपको मजे आए तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। इसी व्लॉग को हम यही पेंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। Hi.